के रहने वाले हैं, रशिया के मूल निवासी है, यूरेशिया के रहने वाले हैं, न जाने कौन सी किताब पढ़कर आते हैं, न जाने कौन सा सस्ता नशा करके आते हैं। तो यदुवंशी यादव ने ये बात, यदुवंशी जी ने साफ साफ तौर पर अपने आका को यहाँ पर उन्होंने खुश करने का काम किया है, और ये बातें जो उनके आका के पास गई होगी तो उन्होंने कहा होगा भूगम्बो विद्या पाए भायु यथा अही दूध पिलाए। विवाद बढ़ा तो वही रुकने वाले नहीं थे, यही चुप होने वाले नहीं थे, तो उन्होंने कहा था इसे कूड़े कचरे में डाल देना चाहिए। हम जो हैं राम मनोहर लोहिया को मानने वाले हैं, हम हैं जो भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस के आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मुद्दा है एक बार फिर बिहार का। हम सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातीयता का क्या महत्व होता है। बिहार में कुछ हो ना हो, लेकिन एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है वो सवाल होता है कौन जात हो। हाँ बिल्कुल, कौन जात हो, किस जात से आते हैं, किस समाज से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, ये बातें जो हैं बिहार की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। अब बिहार में एक नई कहानी गढ़ी गई है बॉस, एक नया चरित्र गढ़ा गया है। बिहार में ये कहा जा रहा है जो तो दबी मुंह बातें की जाती थी ओबीसी नेताओं द्वारा, जो ओबीसी कार्ड खेलते थे, कहते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग है, जो ब्राह्मण समाज है, वो भारत का मूल निवासी नहीं है, वो यूरेशिया का रहने वाला है, और उनका मूल निवास स्थान जो है वो रशिया है। वो कहते हैं हम पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, हम जो है हिंदुस्तान के, इस भारतवर्ष के, इस भारत के हम मूल निवासी हैं, और जो ब्राह्मण हैं ये जो हैं ये रशिया के मूल निवासी हैं। इन ब्राह्मण समुदायों को रशिया से मार कर भगाया गया था। उन्होंने ये पढ़ा है कि ब्राह्मण समुदाय को रशिया से मार कर भगाया गया था, वैसे हम इन्हें भी मार कर भगा देंगे। तो भैया ये बातें किस कहानी की ओर इशारा करती हैं, ये चरित्र किस कहानियों की ओर इशारा करती है, ये सब बातें कहे हैं वो नेता हैं, उनका नाम है यदुवंशी यादव। वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, लालू जी की पार्टी के हैं। अब भैया लालू जी की पार्टी के हैं तो लालू जी की पार्टी का तो एक ही नारा है, समाजवादी है। ये समाजवाद ही है, ये समाजवाद है कि हिंदुस्तान के एक वर्ग को कह रहे हैं कि हम इन्हें मार के हम भगा देंगे, ये रशिया के रहने वाले हैं, रशिया के मूल निवासी है, यूरेशिया के रहने वाले हैं, न जाने कौन सी किताब पढ़कर आते हैं, न जाने कौन सा सस्ता नशा करके आते हैं। तो यदुवंशी यादव ने ये बातें की, उन्होंने पिपरी नगर पंचायत में इस तरह की बातें की हैं। ये सरकार कोई आम आदमी नहीं है, ये सरकार जो है वो महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जैसा कि मैंने ये बातें कही। तो जो ब्राह्मण विरोधी छवि और सवर्ण विरोधी छवि के लिए तो राष्ट्रीय जनता दल को लोग जानते ही हैं कि इनमें ब्राह्मण विरोधी छवि और सवर्ण विरोधी कहानी का जो गुब्बार है वो हमेशा इनमें भरा ही रहता है। हौले हौले जब ये गुब्बार फूटता है तब कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी और सवर्ण विरोधी छवि वाली कहानी का चित्र स्वतः बाहर फूट कर बाहर आ जाता है। तो इन्होंने इस तरह की बातें कही है, इस तरह का चरित्र कही है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ 90 के दशक में कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज था, वहाँ पर जो सवर्ण समाज के लोग रहते थे वो अपने बच्चे को गांव में रखते नहीं थे, उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया करते थे, कहीं इनके बच्चे का भी ना अपहरण न हो जाए, कहीं इनका भी लाल जो है इनकी आँखों से सदा सदा के लिए दूर न हो जाए। चलो पढ़ाई के लिए कम से कम राज से दूर रहेगा, कम से कम आँखों के पास तो रहेगा, कम से कम वो सुरक्षित तो रहेगा। बिहार में 90 के दशक का जो जंगल राज है उसकी कहानी लगता है एक बार फिर जो है वो दस्तक देने वाली है। तो इसी तरह का सवर्ण विरोधी विचारधारा की कहानी यहाँ पर स्वतः रिश्ते नजर आती है। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन हो, कहते हैं ना जो लालटेन जलाते हो, और आज के इस विद्युत जगत में वो विकास और रोशनी की बात क्या करेंगे। कह सकते हैं कि पिया लालटेन जला कर तूने क्या क्या किया, ये कहानी, ये चरित्र पर हम चर्चा कर सकते हैं, इस पर हम बातें कर सकते हैं। और यदुवंशी जो अपने नाम पे यदुवंशी लगाते हैं, यदुवंश की बातें करते हैं, तो वो उनसे इस तरह की बातों की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं कि कोई समाज में रह के और इस तरह की बातें भी कर सकता है, इस सब पर चरित्र पर रेखा खींच सकता है। जिस बिहार में लालू के राज में कहा जाता हो लाठी चलावन तेल पियावन,
जहाँ लाठी चलाओ लड़ने और तेल पियाओ मतलब अपना अंश दान करो और लड़ो ऐसी बातें की जाती हो, तो उस बिहार में लालू की पार्टी से आने वाले लोगों से क्या उम्मीदें रख सकते हैं, क्या विचार आप रख सकते हैं? और भैया यही ना करेंगे, यही तो इनको ये करता है। फिर कहेंगे कि हमारा हक मारा जा रहा है, हमारा हकूक मारा जा रहा है, हमारी नौकरी मारी जा रही है, ये बाहर के लोग आ गए हैं, इन्होंने हमारी नौकरी ले लिया, हमारा हक ले लिया। अब ब्राह्मणों को ये बाहरी कह रहे हैं, कहें क्यों ना, मजबूरी भी है और इनकी मजबूरी भली भांति समझी जा सकती है। मुहाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव है, अगर लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी अपने आका को खुश करना है तो उन्हें इस तरह की बातें तो करनी होगी। भैया जातीयता से बढ़कर कुछ नहीं, एक कहते हैं ना भाषा है हमारे हिंदुस्तान में, कहते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ नहीं, मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं। और इनके लिए एक ही शब्द है, एक ही विचारधारा है, कहते हैं हम बिहारी हैं और हमारे लिए जातीयता से बढ़कर कुछ नहीं, जातीयता ही हमारा सोपान है जो हमें जो है ना जो हमें इस भवसागर को पार करा सकता है, चुनाव के भवसागर को पार करा सकता है। इनकी इस तरह की प्रतिक्रिया के बाद भाजपा के एक नेता हैं नीरज सिंह बबलू, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के शब्द कह रहे हैं, जिस तरह शब्दों से चरित्र पर रेखा खींच रहे हैं, ये 90 के दशक के दौर की एक पुनरावृत्ति है। ये 90 के दशक को एक बार फिर लाना चाहते हैं, बिहार में जो जंगल राज था, बिहार में जो अपहरण थी, जो हत्याएं थी, उस कहानियों का एक बार फिर उस शिला को ये लाना चाहते हैं बिहार में, फिर वही कहानी को दोहराना चाहते हैं, फिर वही चरित्र को दोहराना चाहते हैं। ये नीरज सिंह बबलू भाजपा नेता है, उन्होंने ऐसी बातें कही। फिर एक बार आते हैं यदुवंशी जी पर, यदुवंशी जी ने साफ साफ तौर पर अपने आका को यहाँ पर उन्होंने खुश करने का काम किया है, और ये बातें जो उनके आका के पास गई होगी तो उन्होंने कहा होगा भुगाम्बो खुश हुआ, तो ये बात है। अब बिहार की हम बात करें, बिहार के जो मुखिया हैं वो हैं नीतीश चचा हैं, नीतीश चचा पर टैग लगा हुआ है सुशासन बाबू का, और सुशासन बाबू के राज में अगर इस तरह की बातें की जाती हों, इस तरह के शब्दों से चरित्र पर रेखा खींची जाती हों, तो आप सुशासन बाबू से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या सुशासन बाबू यही आपका सुशासन है, यही आपका सुशासन राग है, यही आपका सुशासन का चरित्र है? क्या बिहार की जो आबादी है आपको इसलिए वोट दी थी? हाँ, जिस चीज़ के खिलाफ बिहार की जनता एकजुट होकर आपको सत्ता में लाई थी 2005 में, जातिवाद जंगल राज के खिलाफ आपने सुशासन का जो नारा बुलंद किया था, सुशासन की जो आपने बातें कही थी, अब वही चीज़ आपके राज में होता नजर आएगा ना? सुशासन बाबू ये बताइए, आपका सुशासन वाला छवि कहाँ गया? आपको कुछ पते नहीं रहता है? अरे मुश्किल तो यही है ना, आपको पते नहीं रहता है, सासाराम में दंगा हो गया रामनवमी के दिन, हाँ बिहार शरीफ में दंगा हो गया, नालंदा में दंगा हो गया, खैर नालंदा तो आपका गृह राज्य है, आप वहीं से आते हैं, उधर ऐसा क्या दंगा हो गया क्या? तो आपको ये बातें पता होगा? नहीं पता होगा। अरे बिहार में, जिस बिहार में आप भी गाहे बगाहे लोग गाते नजर आते हैं, बिहार का जो इतिहास है ना स्वर्णिम इतिहास रहा है, बिहार की कहानी रही है स्वर्णिम रही है, अतीत यहाँ का गोल्डन गोल्डन रहा है। और बात करेंगे वो नालंदा विश्वविद्यालय की, बात करेंगे मगध सम्राट की, बात करेंगे जरासंघ की, बात करेंगे भगवान बुद्ध की, बात करेंगे महाबोधि मंदिर की, बात करेंगे गया की तर्पण की, तमाम तरह की बातें करेंगे, ये हकीकत भी है। और वर्तमान में क्या है, क्या है वर्तमान में बिहार में? स्वास्थ्य चाहिए तो नज़दीकी में बनारस जाएंगे, कुछ और पैसा रहा तो दिल्ली जाएंगे, कुछ और पैसा रहा तो वेल्लोर जाएंगे। एजुकेशन है, वेल्लोर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, फलाना जाएंगे, ढिमकाना जाएंगे। अरे बिहार में है क्या बॉस? अरे ये बताओ, बोले बिहार में है ना, क्या है बिहार के पास? वो कहेंगे मेरे पास जातिगत जनगणना। अब यह बिहारी लड़कों से पूछो, हम अपने बिहारी मित्रों से पूछे कि बिहार में क्या विकास हुआ है, जरा विकास की एक कहानी को जरा जो कागज पर लिख कर दे दो, उसे मेड़वा कर दीवार में लटकाएंगे। बोलेंगे जातिगत जनगणना। तो बोलो भैया जातिगत जनगणना क्या है? बोलेंगे जातिगत जनगणना बिहार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जातिगत जनगणना से बिहार का स्वर्णिम विकास होगा। जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि फलाना ओबीसी जाति में कितनी जाति है, कितनी उप जाति है, कितनी निम्न जाति है, कितनी ऊपर जाति है, वो सब पता चल जाएगा।
एससी समाज में पता चलेगा, एसटी समाज में पता चलेगा और पता चल जाएगा तो हम उस हिसाब से अपना राजनीति गढ़ेंगे और अपने राजनीतिक करियर को चमकाएंगे और अपनी राजनीतिक छवि को साधने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। अरे जाति है ना बिहार में, जातीय बात करेंगे ना, जातिगत जनगणना है ना बिहार में। अब भैया जातिगत जनगणना की ही बात करेंगे ना, जातिगत जनगणना से कुछ ऊपर है ना जातिगत जनगणना से नीचे, ये बिहार की कहानी है। अब बिहार के लोगों में भैया न जाने कौन सी खुशी है जातिगत जनगणना से, लगता है जातिगत जनगणना नहीं है, उनका लड़का आईएएस निकाल लिया है। और फिर यही लोग बात करेंगे बिहार में जितना आईएएस निकालता है ना उतना कौनो नहीं निकालता। अरे भैया एक बार बताओ, बिहार में जितना पलायन करता है ना बिहार से और जितना जाके अदर स्टेट में काम करते हैं वो लोग, जो मजदूरों की एक बड़ी फौज जाती है और उन्हें वहाँ पर जो उपेक्षा का शिकार करना पड़ता है, कहते हैं आप यहाँ आ गए हमारे यहाँ खुद कमी है, आप आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो बिहारियों की दुर्दशा होती है ना उसके बाद नीतीश चचा कोई बात नहीं करेगा, ये तो बिहारियों की कहानी। और रही बात आपके उप मुख्यमंत्री की, आपका उप मुख्यमंत्री खुद नौवीं पास है, पढ़कर क्या करेगा, जब राजा का बेटा तो राजा बनेगा, बनेगा ना, आप मानते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जब राजा का बेटा राजा बनेगा तो पढ़ने का क्या दरकार है। अब देख लिए बिहार में कहानी चलती थी लाठी चलावन तेल पियावन रैली, हाँ बिहार में लालटेन पिया लालटेन जलाकर तूने क्या क्या किया। अब बिहार में जब एक अंगूठा छाप राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो नौवीं फेल है, कम से पढ़ना लिखना तो उसको आता है ना, मुख्यमंत्री बन गए तो क्या दिक्कत है। अब मैं बातें बोलूँगा तो उनको काफ़ी पीड़ा होगी, दिल में काफ़ी हलचल होगी, भैया हलचल को शांत कीजिए और आपके मन का जो प्रशांत सागर जो उमड़ रहा है उसको भी शांत करिए। बोलेंगे राजा का बेटा राजा बनेगा, हम बिल्कुल जानते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये कहानी चरित्र बिल्कुल क्लियर है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो बिहार में ब्राह्मणों को गाली देना, सवर्णों को गाली देना कोई आम बात नहीं। अरे ब्राह्मणों को गाली दे तो बातें पचाई जा सकती है। बिहार की कहानी ये है कि बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर यादव जी। चंद्रशेखर यादव जी ने भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, ब्लंडर वा याद है आपको, ना ना याद है तो हम बताते हैं ना ब्लंडर का था। तो ब्लंडर में उन्होंने बोला था कि रामचरित मानस जो है वो दलित विरोधी ग्रंथ है, रामचरित मानस को तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उन्होंने बोला था नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में गए थे, कहने को शिक्षा मंत्री हैं, पढ़ लिख गए हैं, शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री होकर अब शिक्षा पर किस प्रकार कुठाराघात किया जाता है, शिक्षा पर किस तरह से ब्लंडर किया जाता है, वो चरित्र और चेहरा इनके शिक्षा मंत्री द्वारा साफ साफ देखने और पढ़ने को सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के मंच से कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ये समाज को बांटने वाला ग्रंथ है, दलित समाज को यह शिक्षा से रोकने वाला ग्रंथ है, इस ग्रंथ से दलित समाज शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने एक रामचरित मानस के एक दोहे को कोट किया था, वो दोहा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अधम जाति में विद्या पाए भयु यथा अहि दूध पिलाए, विवाद बढ़ा तो वही रुकने वाले नहीं थे, यही चुप होने वाले नहीं थे। तो उन्होंने कहा था इसे कूड़े कचरे में डाल देना चाहिए, हम जो हैं राम मनोहर लोहिया को मानने वाले हैं, हम हैं जो भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, हम जो हैं इस पर कायम हैं। और जो बिहार में और तरह की जो कुप्रथा है और जो कुप्रथा की कहानी है शायद इस पर बोलने से बचे, बिल्कुल बात है। अगर यकीन मानिए तो मैं आपको बताऊँ तो ब्राह्मण समाज पर इसलिए कटाक्ष करते हैं कि और वे कटाक्ष करेंगे दबा दिया जाएगा, ब्राह्मण समाज अल्पसंख्यक समाज है, उस ब्राह्मण समाज से उन्हें क्या लेना देना, ब्राह्मण समाज को अपने पार्टी में एक जगह दे देते हैं। देखिए ब्राह्मण समाज सवर्णों की कहानी क्या है, ब्राह्मण समाज सवर्णों की कहानी है जो दलित राजनीति करते हैं, दलित राजनीति की कथा को गढ़ते हैं, दलित की राजनीति की कथा वास्ते नजर आते हैं, वो अपनी पार्टी में एक ब्राह्मण समाज से आने वाले को प्रवक्ता के पद पर दे देते हैं, उसे प्रवक्ता बना दिया जाता है और फिर अपने चरित्र को साधने की कोशिश करते हैं, फिर उस पर चरित्र चित्रण शुरू कर देते हैं। पढ़ने लिखने का काम, पार्टी में बोलने का काम, पार्टी की डूबती नैया हो उसको संवारने का काम सवर्णों को देते हैं। प्रवक्ता जो होता है दिन भर मेहनत करता है अपने प्रवक्तागिरी से, पार्टी का डूबती नैया को संवारने का काम करता है, प्रवक्ता का काम मिल जाता है ब्राह्मणों को सवर्णों को। अपने घर में जब नई गाड़ियाँ लेंगे, जब पूजा पाठ कराना हो, नया अनुष्ठान करेंगे तो ब्राह्मणों को बुलाकर ही ये यजमान पूजा पाठ करवाएंगे और जब फुर्सत मिलेगा तो ब्राह्मणों को ही गरी आएंगे। अरे भैया और सब बातें भी कर लो, विकास की बातें कर लो, थोड़ी सी विकास की बात कर लो, कितने अस्पताल बनवाए, कितना रोजगार दिया,
इस पर तो बात नहीं करेंगे जिसका मुख्यमंत्री मात्र 9 पास किया हो। मैंने पहले ही बताया ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। लालटेन जलाए वो, आज के युग में रोशनी के तमाम साधन हो गए हैं, लेकिन जिस पार्टी का ट्रेडमार्क लोगो ही लालटेन हो तो आज भी सोचता है कि उसके समाज से आने वाला लोग उसको जो है लालटेन दिखाकर हमें बतियाएंगे लालटेन। लेकिन जो समाज है, अब समाज शिक्षित हो गया है, समाज एकजुट हो गया है, समाज को ही पता है कौन क्या कहानी गढ़ता है, कौन चरित्र क्या गढ़ता है, कहानी का शब्द क्या है, कहानी का चरित्र क्या है, सबको सब बातें बखूबी पता है। अब कोई किसी को बरगला नहीं सकता है, अब कोई किसी को बरगलाने का सुहाग नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार, और उम्मीद है कि आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। भैया बच्चे, जातीय राजनीति से ये आपको ही नहीं, आपके समाज को नहीं, आपके देश को भी बांट देने वाला है। जरा सोचिएगा।